रायसेन जिले के बाड़ी कस्बे में हाईवे पर एक ढाबा इन दिनों आर्मी व्हीकल्स का स्टे सेंटर बना हुआ है। इस ढाबे पर अक्सर ही सेना की गाड़ियां और ट्रक खड़े नजर आते हैं। ये ढाबा हाईवे पर तो है ही, साथ ही यहाँ फौजियों के लिए खाना फ्री भी है। इस ढाबे को खोलने की कहानी भी दिलचस्प है। इसे खोलने वाले शख्स का सेना में जाकर देश सेवा करने का सपना जब पूरा नहीं हुआ तो युवक ने अपने पिता के नाम पर ढाबा शुरू कर दिया और इसे फौजियों के लिए फ्री कर दिया। बाड़ी कस्बे के रहने वाले अरविंद चौहान कहते हैं कि उनकी बचपन से इच्छा थी कि सेना में जाकर देश की रक्षा करें। कई बार कोशिश की लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए, मन में कसक रह गई। मेरा नाम फूल सिंह चौहान है, जिला रायसेन बाड़ी का रहने वाला हूँ। 2016 में मेरा रिटायरमेंट हुआ, नगर पालिका में RSI के पद पर कार्यरत था। जो भी मुझे राशि मिली है जिससे मैंने ये छोटा सा ढाबा बनाया है, मेरे लड़कों का कहना ये था ढाबा तो आपने बना लिया लेकिन इसमें फौजी भाई हर सामान में निशुल्क रहेंगे, तो मेरा चल रहा फौजियों का आना जाना लगा रहता हूँ। जो भी बनता फौजी भाइयों को मैं निशुल्क भोजन कराता हूँ। अभी तक कितने फौजी भाई आ चुके हैं? अभी तक लगभग 100-150 से ऊपर फौजी भाइयों को निशुल्क भोजन और जो मेरे दुकान में सामग्री है वो निःशुल्क दे चुका हूँ। खोले हुए आपको ये ढाबा कितने समय हो गया? लगभग इस ढाबे को 4 माह हो गए हैं। फौजी भाई कुछ किए के जाते होंगे? फौजी भाई पैसे मैसे की बहुत जिद करते हैं लेकिन मैं पैसे लेता नहीं हूँ, निःशुल्क भोजन कराता हूँ। खाने की क्या कह के जाते हैं? खाने की भी ये कहते हैं कि दादा ऐसा भोजन हमने किसी ढाबे पे भी नहीं खाया, जैसा अच्छी गरम गरम भोजन खिलवाता। और ये आप हमेशा करते रहेंगे कि कुछ जब तक मेरी जिंदगी रहेगी जब तक मैं ऐसा करता रहूंगा। 4 महीने पहले शुरू हुए इस ढाबे पर आए दिन फौजी भोजन करने पहुँचते हैं। पिता पुत्र की देशभक्ति को देख कर फौजी भी उन्हें सलाम करके जाते हैं। साल 2016 में अरविंद के पिता नगर परिषद बाड़ी से सहायक राजस्व निरीक्षक के पद से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद घर पर रहने के कारण फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, ब्लड प्रेशर जैसी कुछ समस्याएं आ गई। ऐसे में उन्होंने हाईवे पर अपनी जमीन पर ढाबा खोलने का प्लान बनाया। अरविंद नगर परिषद में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहे हैं। बीते दिनों भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान अरविंद के ढाबे पर आर्मी के 8 ट्रकों से कई सेना के जवान और अधिकारी पहुंचे। अरविंद और उनके पिता PS चौहान ने पूरे स्टाफ के साथ फौजियों को प्रेम से भोजन कराया। जब बिल चुकाने की बारी आई तो ढाबे के संचालक PS चौहान ने बाहर लगे बोर्ड की तरफ इशारा किया, कहा यह ढाबा सैनिकों के लिए फ्री है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।